IGI एयरपोर्ट देश का व्यस्तम एयरपोर्ट है। यहाँ रोजाना 2.25 लाख देशी विदेशी यात्री पहुँचते हैं। एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई फैसिलिटेशन कियोस्क और प्रहारी योजना से यात्रियों को खास लाभ होगा। मंगलवार को इस योजना के शुभारंभ के दौरान बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली के पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा, प्रहारी योजना के तहत एयरपोर्ट पर कार्यरत 600 सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली पुलिस ने खास प्रशिक्षण दिया है। संदिग्धों पर भी नजर रखने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अहम कड़ी ये लोग साबित होंगे। So obviously the congestion is so huge and there must therefore be lot of glitches in somebody's travel. Maybe something is lost or something is amiss or some complaint, some difficulty being faced. All that can be immediately reported to police through this facilitation desk which has been set up. It's a very smart facility and it will be manned also just in case there is a need for interaction of a human being also. The other scheme that we saw being launched today is the Prahari. These are steps which we are taking to take policing in a more friendly manner, to be accessible and to be effective. With the densities of population, whether at the airport or in the city here, having increased to such an extent that it's impossible to move around, impossible to locate a thana. Therefore, the idea was to why not put these facilities where anyone who is in need of police help can register a complaint, give a suggestion, or get his problems resolved or at least registered. And for that he need not have to look for nook and corner in a colony where the police station was, because a person in need requires assistance immediately and not after a gap of time which probably damage would have been done if the complaint was not registered. So these facilitation desk idea or centers idea has taken a route. I am very happy that Delhi Police is implementing it. We are also helping them through the municipal corporations, the NDMC, etc. फैसिलिटेशन कियोस्क यात्रियों को सुविधा प्रदान करने वाले डेस्क में सामान खोने, वाहन चोरी, अन्य तरह के अपराध के लिए EFIR दर्ज करने की सुविधा मिलेगी। इससे किसी भी तरह की परेशानी पर यात्रियों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। दिल्ली के पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने कहा, IGI एयरपोर्ट एक संवेदनशील इलाका है। यहाँ सैलानियों के साथ होने वाली छोटी सी घटना से देश की छवि खराब होती है। दिल्ली के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए। तो यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, पैसेंजर्स भी होते हैं ऑन ए डे टू डे बेसिस। दिल्ली एयरपोर्ट वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स वर्ल्ड में है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि जो दिल्ली पुलिस के जो सर्विसेज हैं जो पब्लिक अवेल कर सकती है, उसको हम एक ऐसी जगह पर रखें फैसिलिटेशन कियोस्क के आधार पर। उस पर विदाउट रिक्वायरमेंट टू गो टू द पुलिस स्टेशन, यहीं पे आके लोग उसके फैसिलिटीज़ को अवेल करें, और कोई भी समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे 24/7 स्टाफ यहाँ पर रहेंगे जो उनकी पूरी मदद करेंगे और गाइड करेंगे। 24 घंटे दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षित अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। विदेश में भी एयरपोर्ट पर ज्यादा काम निजी गार्ड करते हैं, इसी तरह दिल्ली में भी अब ये योजना शुरू की गई है। पहले प्रशिक्षण और जागरूकता के अभाव में निजी गार्ड पुलिस से संपर्क नहीं रखते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज निगाहें दिल्ली। तेज निगाहें परिवार आपको ये बताते गर्व महसूस कर रहा है कि तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज चैनल के करीब 2.25 लाख दर्शक हो चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमारी आपसे अपील है, जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी खबरें आपके पास समय से पहुंच सके और आप देश दुनिया व अपने आसपास की सामाजिक गतिविधियों को अपने मोबाइल पर देख सकें।
जुड़ी हुई।